हेलो हाँ दोस्तों भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों आज है तीस जुलाई 2022 और आज की तेरह इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहां पर आ चुका हूं चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ तो ये रही पहली अपडेट हिमाचल में पिछले कल की बात करें तो पाँच हजार छः सौ पंद्रह यहाँ परसन जो हैं टेस्टेड हुए हैं और उनमें से साढ़े नौ पॉजिटिव रिपोर्ट यहाँ पर हुए हैं सात सौ पे ठीक हुए हैं पिछले कल और छः यहाँ पे एडमिट हुए हैं और छब्बीस पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं टोटल केसेस की बात करें तो टोटल केसेस हो चुके हैं पाँच हज़ार तीन सौ इक्यानवे जो हैं वो एक्टिव केस हैं और बाकी ये यह आप यहाँ पे देख ही सकते हो तो देख लो कहाँ से शुरू हुआ था कहाँ पे पहुँच गए हैं पाँच हज़ार तीन सौ इक्यानवे एक्टिव केसेज हो चुके हैं हिमाचल में और एक्टिव केस पिछले कल आए हैं नौ सौ तीस चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही 2555 हज़ार शिक्षकों को अनुबंध पर लाने की तैयारी मुख्यमंत्री के निर्देशों पर शिक्षा विभाग ने शुरू किया प्रस्ताव बनाने का काम 15 अगस्त को शिक्षकों के पक्ष में हो सकती है घोषणा तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 2555 हज़ार शिक्षकों को अनुबंध पर लाने की तैयारी है मुख्यमंत्री जी राम के निर्देशों पर शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव बनाने का काम शुरू करवा दिया है कर दिया है पंद्रह अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिक्षकों के पक्ष में इस पर बड़ी घोषणा कर सकते हैं वीरवार का मुख्यमंत्री ने सचिवालय में मिलने पहुंचे एस एम सी शिक्षकों से कहा था कि सरकार जल्द ही इन शिक्षकों के लिए पक्का समाधान करेगी ऐसी नीति बनाई जाएगी जिसमें कोई कानूनी अड़चन न आए इसी कड़ी में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रधान सचिव शिक्षा मनीष गर्ग को शुक्रवार को एक प्रस्ताव भेजा गया है इसके तहत तो एस एम सी शिक्षकों को अनुबंध पर लाने की सिफारिश की गई है अगर ऐसा होता है तो एस एम सी शिक्षकों का वेतन सात हज़ार आठ सौ से लेकर जो है दस हजार आठ सौ बाईस रुपये तक बढ़ जाएगा चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आउटसोर्स कमियों के लिए बोर्ड निगम बनाने का प्रस्ताव नेक्स्ट अपडेट ये रही अस्पतालों में मास्क को लेकर सख्ती शुरू एक नए मामले बिना मास्क डी में नहीं मिले मिला प्रवेश संक्रमितों में 25 से 40 साल के युवा अधिक तो सरकार के आदेशों के बाद शहर के अस्पतालों में शुक्रवार को जहां मास्क को लेकर काफ़ी सख्ती रही वही जिले में कोरोना के एक मामले सामने आए हैं शहर के डी शहर के मुख्य गेट से लेकर एमरजेंसी जाने तक दो से तीन सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर तैनात रहे और यहाँ से मरीजों को तीमारदारों को मास्क पहनने के बाद ही प्रवेश दिया गया तो दोस्तों यहाँ पे अपडेट है चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही अधिकारियों कर्मचारियों के तबादलों पर फिर लगी रोक दस दिन के लिए मिली छूट समाप्त तबादलों के लिए अब सीएम की मंजूरी जरूरी तो हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर फिर रोक लग गई है सामान्य तबादलों पर दस दिन के लिए मिली छूट अब समाप्त हो गई है शुक्रवार से पुरानी व्यवस्था के तहत तो तबादले करवाने के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी लेना जरूरी हो गया है अठारह से सत्ताईस जुलाई तक प्राप्त हुए तबादलों तबादला आवेदनों पर विभागों में काम करना शुरू कर दिया है अगले सप्ताह से चयनित किए गए तबादला आवेदनों के आदेश होंगे और प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में करीब तीन वर्ष बाद अठारह से जुलाई तक दस दिनों के लिए स्थानांतरण पर लगी को हटाया था तो दोस्तों यहाँ पे अपडेट है नेक्स्ट अपडेट ये रही स्टीनो टाइपिस्ट की मूल्यांकन परीक्षा 20 सितंबर को तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग पोस्ट कोड आठ के तहत के 14 पदों को भरने के लिए गई परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है और इसके बाद जो है दो हज़ार इक्कीस में लिखित परीक्षा हुई थी दो हज़ार बाईस को स्किल टेस्ट करवाया गया और उसके आधार पर जो है इनका स्किल टेस्ट का रिजल्ट है आपको डिक्लेयर किया गया है पिछले कल और अभी जो है पंद्रह नंबर की मूल्यांकन जो वैल्यूशन है वो होगा आपका बीस सितंबर को ओके लिपिक भर्ती की मूल्यांकन परीक्षा उन्नीस सितंबर का तो पोस्ट कोड आठ सौ उनतालीस का लिपिक भर्ती परीक्षा बनाने घोषित कर दिया गया है और अब जो है 19 सितंबर को इनकी पंद्रह अंकों के मूल्यांकन परीक्षा के लिए इनको बुलाया गया है ठीक है बाकी पीडीएफ मैं आपको कल ही बता चुका हूँ इनके दोनों के चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही शारीरिक शिक्षकों को बैच वाइज भर्ती में दो शैक्षणिक योग्यता में छूट हाई कोर्ट सरकारी स्कूलों में खाली पड़े हैं शारीरिक शिक्षकों के आठ पद तो हिमाचल उच्च न्यायालय ने शारीरिक शिक्षकों के बैच वाइज पदों को भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट देने के आदेश दिए हैं न्यायाधीश संदीप शर्मा ने उन शारीरिक शिक्षकों को शिक्षकों को की शैक्षणिक योग्यता में छूट देने के कहा है जो नियमों के अनुसार योग्यता नहीं रखते हैं अदालत ने इस पर विचार करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है तो ये दोस्तों यहाँ पर अपडेट है चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही परिवहन निगम की बसों में ही लागू होगा न्यूनतम किराया निजी बस ऑपरेटर सरकार की अधिसूचना के इंतजार में कोर्ट जाने की तैयारी तो परिवहन मंत्री बोले निजी ऑपरेटर पाँच रुपये किराया लेते हैं या नहीं फैसले फैसला उन पर छोड़ा तो ये आप इधर देख ही सकते हो हिमाचल में जो है हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में ही सात के बजाय पाँच रुपये न्यूनतम किराया लागू होगा मंत्रिमंडल ने बीते दिन स्टेज कैरेज की बसों में जो है न्यूनतम किराया दो रुपये घटाने का फैसला लिया है इधर निजी बस ऑपरेटर सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं इनका कहना है कि देश के किसी भी राज्य में पाँच रुपये न्यूनतम बस किराया नहीं है महिलाओं को सरकारी बसों के किराए में पचास फीसदी छूट देने के बाद अब यूनियन इस मामले में भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी अधिसूचना का इंतजार हो रहा है अन्य राज्यों में न्यूनतम किराया दस रुपये है हिमाचल में सबसे कम सात रुपये लिए जा रहे हैं इधर परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि निजी बस ऑपरेटर न्यूनतम किराया पाँच रुपये लेते हैं या नहीं फिलहाल फैसला उन पर छोड़ा है तो update, ये दोस्तों पे अपडेट अपडेट है नेक्स्ट रही के स्कूलों में विद्यार्थियों को एक जगह इकट्ठा करने पर लगा प्रतिबंध कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश फेस मास्क पहनना किया जाए अनिवार्य गेट पर रखे जाएंगे हैंड सैनिटाइजर मिड डे मील प्रश्न के दौरान भी उचित दूरी रखेंगे आज से खुलेंगे ग्रीष्मकालीन स्कूल और हिमाचल में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य अधिसूचना जारी तो हिमाचल में दोस्तों बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को बिना मास्क प्रवेश नहीं कर दिया जाएगा सरकार ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और शनिवार से सरकारी गैर सरकारी संस्थानों अस्पतालों सार्वजनिक व पर्यटनों पर्यटन स्थलों व खुले और भीतर होने वाले कार्यक्रम में, में भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा तो भी मास्क लगाना पड़ेगा दोबारा से नेक्स्ट अपडेट ये रही एम के लिए स्पोर्ट राउंड दो अगस्त को पाँच को जारी होगी मेरिट लिस्ट तो एन हमीरपुर ने एम की खाली सीटों को भरने के लिए दो अगस्त को स्पोर्ट राउंड करवाने का फैसला लिया है पाँच अगस्त को चयन और मेरिट सूची जारी होगी और इसके बाद दस अगस्त को सेमेस्टर शुल्क जमा करवाना होगा एन हमीरपुर में एम की कुल चालीस सीटें सृजित हैं सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए बारह सौ रुपये जबकि एस सी एस टी के लिए छः सौ रुपये शुल्क निर्धारित है नेक्स्ट अपडेट ये रही एम टेक एम आर्क एम एस सी की कक्षाएं बाईस अगस्त से तो एन आई टी हमीरपुर ने स्नातकोत्तर कक्षाओं को आगामिक शेड्यूल जारी कर दिया है कैलेंडर जारी कर दिया है आठ से बारह तक शुल्क जमा सत्रह से उन्नीस के बीच होगा पंजीकरण तेरह दिसंबर तक चयन की कक्षाएँ उन्नीस से चौबीस दिसंबर तक होंगी थोड़ी परीक्षाएँ चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही एच की आज से चवालीस केंद्रों के में शुरू होंगी पीजी की सेमेस्टर परीक्षाएं तो इनकी एच की पीजी की सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और इनमें प्रदेश भर के हज़ारों छात्र अपीयर होंगे परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय ने पोर्टल पर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर पहले ही उपलब्ध करवाए हैं इसे छात्र डाउनलोड कर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश ले सकते हैं जिन छात्रों के रोल नंबर जनरेट नहीं हुए हैं उनका परीक्षा केंद्रों की कट ऑफ लिस्ट पर नाम होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी जाएगी तो अगर किसी का एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है तो वो कट ऑफ कट ऑफ लिस्ट जो है सॉरी कट लिस्ट निकालें और वहाँ पर आपका नाम है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो ओके नेक्स्ट अपडेट ये रही मेरों की भर्ती के लिए पंजीकरण एक से सोलन शिमला किन्नौर और सिरमौर के युवकों के रामपुर में होगी भर्ती तो यहाँ पे एक अगस्त से तीस अगस्त तक पंजीकरण होगा सत्ताईस सितंबर से ग्यारह अक्टूबर तक एडमिट कार्ड और बाईस बारह से इक्कीस अक्टूबर तक शारीरिक दक्षता परीक्षा चलेगी और चयनित युवाओं के लिए जनवरी दो में लिखित परीक्षा होगी सबसे पहले सोलह सो मीटर दौड़ लगानी होगी कम से कम छः और अधिकतम दस बीम निकालने होंगे नौ फीट के गड्ढे को पार करने के साथ जग जग बैलेंसिंग भी देखी जाएगी आ, इसके लिए ए सीमा जो है सत्रह से तेईस साल होनी चाहिए ठीक है और ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है पूरी पढ़ लिख सकते हो आप यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट ये रही पीजी की प्रवेश परीक्षा मेरिट प्रवेश मेरिट में शामिल छात्रों के लिए सीटें होंगी आरक्षित बी टेक अंतिम वर्ष में वर्ष के विद्यार्थियों को भी बड़ी राहत यू का परिणाम आने पर ले सकेंगे दाखिला प्रति कुलपति ने दिए ई सिस्टम में सुधार करने के निर्देश तो ऐसे अभी जो है दोस्तों यू जी के परिणाम घोषित नहीं हुए हैं लेकिन पी जी की प्रवेश परीक्षा संभावित मेरिट में उनका नाम शामिल है हिमाचल इनके लिए जो है सीटें आरक्षित रखी जाएंगी जिनका अभी यू जी का परिणाम नहीं आया है बट जिनका नाम जो है मेरिट लिस्ट में है ठीक है और अभी जो है आ... पीजी डिग्री इस कोर्स का काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है लेकिन अभी तक बीटेक टेक अंतिम सेमेस्टर बी और बीएससी के पूरे नतीजे घोषित नहीं हुए हैं इसलिए विश्वविद्यालय ने ऐसे छात्रों की सीटों को आरक्षित करने का फैसला लिया है जो पी परीक्षा की मेरिट लिस्ट में शामिल है ताकि रिज़ल्ट आने पर बस दाखिला ले सकें तो ये दोस्तों यहाँ पर अपडेट है और हाल ही में परीक्षाएँ हुई हैं इसलिए इसलिए परिणाम जल्द आने के काफ़ी उम्मीद कम है तो यहाँ पे एक और यहाँ पे चीज़ बताई गई है दोस्तों कि अगर किस किसी की अगर काउंसलिंग है और उसका परिणाम अगर नहीं आया है तो गोपनीय परिणाम पर होगी काउंसलिंग ठीक है तो स्नातक डिग्री कोर्स बी ए बी एस सी अंतिम वर्ष के बहुत से परिणाम अवार्ड ना आने से जो है घोषित नहीं हो पाए हैं ऐसे छात्र विश्वविद्यालय से गोपनीय परिणाम हासिल कर सकते हैं यानी कि सीक्रेट सीक्रेट रिजल्ट अगर लेना चाहते तो वो ले सकते हैं क्योंकि अभी हो सकता है कि कुछ के रिज़ल्ट कंप्लीट ना आए हों है ना तो वो सीक्रेट रिजल्ट लेकर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं पूर्व में भी विभाग गोपनीय परिणाम लेकर काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करवाता रहा है ठीक तो ये दोस्तों आज की कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए थैंक यू